आरएसएस बीजेपी के सरकार ने अंबेडकरवादी है, विचार स्वतंत्रवादी है, लेखन स्वतंत्रवादी है और व्यक्ति स्वतंत्र मानने वाले जो है उनके सामने एक चुनौती खड़ी की है। आरएसएस बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं 2019 को, उसके बाद में आसानी से वो 2022 को राज्यसभा में भी मेजॉरिटी मिल सकती है, बहुमत मिल सकता है। दोनों ही सभागृह में बहुमत मिलने के बाद वो जो नया भारत निर्माण करने की घोषणा कर रहे हैं उसको वो पूरा कर सकते हैं। उनका नया भारत का मतलब है नया संविधान। नया संविधान आया तो उसमें ना आरक्षण रहेगा, ना व्यक्ति स्वतंत्र होगा, ना लिखने का अधिकार होगा और ना आज की जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी रहेगी। मैं इसलिए सभी वर्गों से ऐलान करता हूं कि ये जो एक खतरा मंडरा रहा है उसको चुनौती देने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए एक वैचारिक संघर्ष शुरुआत करने के लिए 15 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर में नवाजगंज जो ग्रांड मैदान है उस मैदान की घोषणा की जाएगी, इस ऐलान की घोषणा की जाएगी और वहीं से एक नया भारत के विरुद्ध एक आंदोलन शुरुआत करने की घोषणा भी होगी। मैं तमाम अंबेडकरवादियों ऐलान करता हूं, विचार स्वतंत्रवादी है, लेखन स्वतंत्रवादी है, व्यक्ति स्वतंत्रवादी है, उनसे भी ऐलान करता हूं कि आप इस लड़ाई में सहयोग देंगे और आपका सहयोग जो है 15 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर में जो रैली होने जा रही है उस रैली में आप शरीफ होंगे, एक ताकत बताएंगे और बीजेपी और आरएसएस का मकसद जो है वो पूरा न करने की कसम हम वहां पर खाएंगे और एक नया आंदोलन वहां से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जंग में शामिल होंगे, सहयोग देंगे और इसको कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।